गुजरात के साबरकांठा जिले हिम्मतनगर से नवरात्रि का माता रानी का आठवें दिन को गुजरात में आठम कहते हैं। हिम्मतनगर में तुलसी परिवार के ग्रीन मंत्री परिवार में माता रानी को बहुत बड़ी आरती किया था। उस आरती का लाभ ज्योति भाई बाबू भाई पटेल ने माता रानी की श्रद्धा और भाव से आरती कर रहे थे, तभी माता रानी का चमत्कार हो रहा था। आरती में माता रानी के टेम्पल ऊपर ध्वजा का दर्शन हो रहा था, वीडियो में और तस्वीर में खुला दिख रहा था। माता रानी अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दे रही है और मंदिर के ऊपर ध्वजा दिखाई देती है और ये चमत्कार हो रहा था अलग अलग तरीकों से। जयंती भाई बाबू पटेल अपने परिवार साथ साथ आरती उतार रहे थे और तुलसी परिवार की उपस्थिति में माता रानी की आरती और सर्वद्वार माता रानी का प्रांगण में अपने हाथों में दिया लेकर आरती का लाभ दिया। बाद में माता रानी को महाप्रसाद चढ़ाया गया। चेतन भाई पंचाल देवा भाई मेडिकल वाले ए दोनों तरफ से माता रानी के आठम का प्रसाद चढ़ा के साक्षात माता रानी का आशीर्वाद मिले थे। सरकार के कोरोना की गाइडलाइन में ध्यान रखकर ही श्री प्रमुख भाई पटेल, उप प्रमुख संजय भाई मेहता तथा मंत्री कल्पेश पाठक और शह मंत्री भावेश पटेल, खजांची शिवांगनंग पटेल बहुत बढ़िया आयोजन किया है और कोरोना की गाइडलाइन में रहकर काम करते हैं। सभी ने अपने भारत देश का झंडा हाथों में लेकर भारत माता का गाना बजाकर बहुत उल्लास के साथ गरबा खेला। जो भी महिलाएं और बच्चे और जेंट्स बहुत बढ़िया एक्टिंग के साथ गरबे खेले थे, वो लोगों को नंबर देके इनाम दिया गया। जिसका नंबर लगा उसका नाम उन्ती भूपेंद्र भाई, दिया मनोज भाई, कंचन बहन पटेल और यशस्वी कापाड़िया और अवि भाई वैष्णव, मुकेश भाई गोस्वामी, ये सभी ने माता रानी के गरबे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। ये सभी को इनाम सुरेखा जी, जयस भाई, जीत सतवारा तरफ से दिया गया और सभी को माता रानी का आशीर्वाद मिला। R9 भारत के लिए गुजरात से साबरकांठा जिले से सुरेखा सतवारा की रिपोर्ट।